नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रामलला की तस्वीर। रामलला की तस्वीर सबसे पहले हमारे पास आई है। यह तस्वीर सीधे अयोध्या में जो रामलला का मंदिर है वहीं से यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुबह सुबह कैसे रामलला को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से निकल गए हैं अयोध्या के लिए। वो पहले लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से वो फिर अयोध्या जाएंगे। लगभग 12:30 बजे के आसपास आधारशिला की पूजा की जाएगी। उसके पहले रामलला की ये पूजा की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। सबसे पहले अभी तक लगातार हम अयोध्या से हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये रामलला की आज की तस्वीर है जब सुबह रामलला की पूजा आराधना की जा रही है। इसके बाद आपको बता दूं कि जब आधारशिला रखी जाएगी उसके बाद भी रामलला को फिर से तैयार किया जाएगा, फिर से पूजा होगा, वहां पर भगवान का भोग लगाया जाएगा। अयोध्या में रामलला को ठाकुर जी कहते हैं, तो ठाकुर जी की यह सीधी तस्वीरें अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें कि कल अयोध्या में रात में सरयू किनारे बिल्कुल दिवाली जैसा समा बांधा गया था, जब लाखों दिए वहां पर एक साथ जल रहे थे। और आज भी ये कहा गया है कि सरयू किनारे दिवाली मनाया जाएगा। लगभग 500 सालों का संघर्ष आज पूरा होता हुआ अयोध्या में दिख रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के मंदिर की आधारशिला रखेंगे। लगभग 70 एकड़ में बनने वाला है यह मंदिर। इस मंदिर की भव्य तस्वीरें भी हमने सबसे पहले आपको दिखाई थी और अब आप सीधे हम आपको अयोध्या की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से रामलला तैयार हैं। पंडित लगातार वहां पूजा पाठ कर रहे हैं। आज सुबह से ही वहां पूजा की प्रक्रिया भी चल रही है और उसके पहले अयोध्या में भी उत्सव जैसा माहौल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और कोरोना के संकट को देखते हुए वहां पर बहुत ही सीमित संख्या में मेहमानों को बुलाया गया है। मेहमान वहां पहुंच चुके हैं, लगातार वहां मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि अयोध्या के लोगों को ये कहा गया है कि वो घर से नहीं निकले, घर पर बैठकर ही वो टीवी के जरिए ही रामलला के दर्शन करें। और आपको सीधे हम रामलला के दर्शन करवा रहे हैं सबसे पहले, तो अयोध्या से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले हम आप तक लेकर आ रहे हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।